आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं देश की जनता से राहुल के चार बड़े वादों के बारे में। नंबर एक, न्याय योजना। कांग्रेस की न्याय योजना इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने हाल ही में इसका ऐलान किया था। इस योजना के तहत देश के 20% गरीब लोगों को सालाना 72,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राहुल के मुताबिक उनका लक्ष्य आम आदमी के न्यूनतम आय 12,000 रुपए मासिक तक करने की है। नंबर दो, 22 लाख भर्तियां। राहुल गांधी ने हाल ही में इसका ऐलान किया था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्र में खाली पड़े 22 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राहुल गांधी ने इसके लिए 30 मार्च को 2020 का लक्ष्य भी रखा है। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा किया, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर केंद्र की मौजूदा सरकार पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में कांग्रेस ये वादा कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नंबर तीन, स्टार्टअप। युवा वोटरों को रिझाने के लिए राहुल गांधी ने स्टार्टअप के प्लान को भी शामिल किया है। इसके तहत 3 साल के लिए देश के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी। हाल ही में राहुल ने युवाओं से कहा था कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस पर काम शुरू कीजिए, ना कोई एंजल टैक्स लगेगा और ना ही कोई रेडअप का झंझट। इस बार करीब 1 करोड़ से अधिक वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। ऐसे में युवा शक्ति के लिए राहुल का प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर चार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास जोर। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा वादा किया है। सरकार ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का वादा किया है। इसके अलावा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। गरीबों को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और नंबर पाँच, किसानों पर मेहरबानी। राहुल ने किसानों के लिए अलग से बजट बनाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर किसान कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहते हैं तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस के बजाय सिविल ऑफेंस माना जाएगा। अब कांग्रेस के इस वादे के पिटारे पर देश की जनता कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।